हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 4:10 से। तो अभी मैं नहा के आई और आज आप सोच रहे होंगे कि 3:30-4 बजे क्यों नहाई, मेरी नहाना तो सुबह सुबह ही हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद लेटे हुए टीवी देख रही थी और ऐसे देखते हुए टाइम बीत गया और 1 o'clock हो गया। फिर उसके बाद इवन मैंने सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाया था उसी में 2 रोटी बचा हुआ था तो वो खा ली क्योंकि 1 o'clock हो चुका था। और उसके बाद मैं अपना सारा काम करी, फिर आज मेरा थोड़ा स्किन केयर और हेयर केयर थोड़ा बहुत था तो वो मैंने किया और आज मैंने हेड बाथ किया। आज लग रहा है नहाए धोए जैसा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक नहाना पूरी नहाना नहीं होता है। जिस दिन आप हेड बात करोगे उस दिन पूरी नहाना होता है। नहीं तो हम बंगालियों में कहावत है, बोलते हैं कि जो सिर को बिना भिगाए नहाते आधे अधूरे से फेस से लेके नीचे तक, उसको काकसिनन बोलते हैं। तो मुझे वही लगता है कि मैंने काकसिनन किया। तो आज मैंने पूरे हेड बात कर लिया और मुझे आज लग रहा कि मैं सही से नहाए धोई हूँ और मैं भी थोड़ा सा इंसान जैसे दिख रही हूँ ना। मैं तो डेली जैसी रहती वैसे भाई व्लॉग स्टार्ट कर दो। आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हो, मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स, तो आप लोग मैं जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि भाई उतनी भी जंगली जैसी वेलकम नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंसान बन के वेलकम करना चाहिए। तो इसलिए आज थोड़ा इंसान बन के वेलकम किया आपका। तो सारा काम तो वैसे मेरा हो गया है, अभी मुझे लिखना है राशन का जो लिस्ट है वो लिखना है। वो इसलिए क्योंकि आज का जो तारीख है, आज 4 तारीख है और राशन लाने का यही टाइम होता है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर मैं राशन मंगवा लेती हूँ, तो इस बीच में जाना तो होगा नहीं। अभी मैं संडे के दिन ही राशन लाने के लिए जाऊँगी क्योंकि कल मेरा ऑफिस है, सैटरडे फिर छुट्टी है। तो मैं कोशिश करूँगी सैटरडे और संडे के बीच में राशन ला लूँ। तो मुझे पहले से लिख के रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे सही से हर चीज़ एक ही साथ याद नहीं आता है कि कौन सा चीज़ ख़त्म हो गया। तो अभी मुझे जो याद आएंगे मैं वो लिख के रखूँगी और 1-2 दिन में मैं जैसे खाना बनाऊँगी या फिर दूसरे काम करती रहूँगी वो मुझे जो जो लगेंगे वो देखते हुए लिखती रहूँगी। और मैं यही करती हूँ, नहीं तो ना नहीं होता है। और मैं तो अभी सोच रही हूँ कि जो फ्रिज के बाजू में ना एक लिस्ट हमेशा रखूँ, जो ख़त्म हो गया भाई पट से जाके लिख दो। वैसे तो वहाँ पे मैं पेन रखती हूँ, पेपर भी रखती हूँ, तो अभी मैं वही काम करूँगी। जो ख़त्म हो गया बस वहाँ पे जाओ और लिस्ट में लिख दो और मंथ की एंडिंग में वही लेके चल दो, नहीं तो फिर याद कर कर के करना पड़ता है। और ये देखिए मेरी आईब्रो है, आज सुंदर लग रही है ना। वो इसलिए क्योंकि आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि मैंने प्लकिंग कर लिया है, मतलब मेरी जो आईब्रो है वो थोड़ा दिख रहा था। कैसे दिख रहा था? वो डाकू सरदार जैसा दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा प्लक कर लिया है जो एक्स्ट्रास था। फिर अभी दिखने में अच्छा तो लग रहा है, थ्रेडिंग जैसा ही लग रहा है। मैं अभी से कोशिश करूँगी, यही पहले भी मैं ट्राई किया करती थी लेकिन लॉकडाउन के कारण, मैं लॉकडाउन होके 2 महीने से ज़्यादा हो रहे क्योंकि मार्च महीने के 25th से स्टार्ट हुआ था। मार्च, अप्रैल, मई गया, जून के आज 4 तारीख है, मतलब 2 महीने 10 दिन हो रहे। तो 2 महीने 10 दिन में मैंने 2 बार प्लकिंग किया, एक बार मैं पहले करी थी, एक बार कल करी। तो मतलब मैं रेगुलरली मंथली वंस ही करती थी क्योंकि मेरी जो आईब्रो से उतना ज़्यादा ये नहीं होता है, फास्टली ग्रो नहीं होता है, तो मंथली वंस करवा लो तो ठीक है। तो चलिए लिस्ट लिख लेती हूँ मैंने, तो वो जो भी लिखना मुझे थोड़ा सा भी याद है वो भी भूल जाऊँगी।
ये मैंने बांध दिया है ना, तो मैं यहाँ पे बैठ रही थी ना, तो बार बार हवा आ रहे थे मेरे घर पे आ रहे थे, तो मैंने इसको बांध दिया जिससे कि वो थोड़ा सा नीचे से भारी हो जाए और इतना ज़्यादा उड़ ना पाए। देख इतना ज़्यादा हवा आ रहा है। और अभी का टाइम हो रहा है 5 o'clock, नमाज पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि नमाज सुनने में आता है मेरे यहाँ पे, क्योंकि मस्जिद पता नहीं कितना दूर होगा, मैं देखी नहीं कभी, शायद पास ही होगा कि सुनने में आ रहा है ना। नमाज जब पढ़ते हैं बहुत अच्छे से सुनने में आता है। और मेरे यहाँ पे जस्ट मैं जिस गली में रहती हूँ और सामने वाले गली में ही ना मंदिर है, और यहाँ पे 3-4 ऐसे मंदिर है, जैसे दुर्गा माँ का मंदिर है, और मेरे जो नेक्स्ट गली में मंदिर है वो हनुमान जी का मंदिर है, वो मेरी बिल्डिंग से दिखता ही है क्योंकि नेक्स्ट गली में ही है। मैं दिखाती हूँ आपको, वो देखिए ये टिप दिख रहा है ना, ये टिप जो है ये मंदिर का टिप है, ये नेक्स्ट गली का ही है। तो मतलब मेरे साथ साथ भगवान हमेशा रहते हैं। तो राशन लिखना तो मेरा हो चुका है, और जैसे ही राशन लिखना हो जाएंगे ना, मतलब आधा ही हुआ है, आधा मतलब मैंने जितना मुझे याद आया था उतना तो मैंने लिख के रख दिया। अभी कल मेरे पास है, परसों मेरे पास है, 2 दिन के अंदर जो मुझे दिखेंगे ये पेपर में फ्रिज के ऊपर रखूँगी और लिख दूँगी। अभी का तो जितना लिखना था, जितना मुझे याद था उतना मैंने लिख दिया है। वैसे ज़्यादा कुछ इस महीने में मंगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मंथ में जो कुछ मैंने राशन में मंगवाया है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, तो उसी वजह से ना मुझे कुछ ही चीज़ मंगवाना है। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि दीदी आप अकेले रहते हो या फिर मतलब अलग रहते हो फैमिली से, तो आप अकेले रह के रूम रेंट लेके और जो भी आपका सब कुछ खुद ही करते हो तो कितना पैसा खर्च होता है मंथली वगैरह, ये पूछा था। तो मैं ये फैमिली के मतलब मेरे अंदर का पर्सनल ये है, मैं उतना डिटेलली तो मैं बताना नहीं चाहूँगी, फिर भी मैं बता देती हूँ पूरा डिटेल नहीं, कितना मैं सेविंग करती हूँ ये सब कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन सिर्फ खर्च के लिए मुझे कितना ज़रूरत पड़ता है ये सब कुछ मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे कि टोटली मैं मंथली कितने निकालती हूँ, मेरे खर्च के लिए कितना ज़रूरत पड़ता है वो बता सकती हूँ। लगभग अगर मैं 15,000 रुपीज़ निकालूँ तो महीना का जो धूप आ रहा है, अभी धूप स्टार्ट हुआ है, तो अगर मैं 15,000 निकालूँ तो हो जाता है, क्योंकि रूम रेंट दे के फिर राशन ला के और मेरे खुद का एक गाड़ी का खर्च होता है, मार्केट वगैरह ये सब कुछ करके अगर मैं 15,000 रुपीज़ अकाउंट से निकालूँ तो वो हो जाता है बिना एक्स्ट्रा खर्च किए। अगर मैं एक्स्ट्रा खर्च कुछ ना करूँ, सिर्फ ऑफिस जाना आना और घर का खर्च बोल सकते हो, एक्स्ट्रा शॉपिंग जो रहता है अगर वो बोलोगे तो मैं काउंट करके नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि हर महीने अलग अलग शॉपिंग रहता है मेरा एक्स्ट्रा, जैसे कॉस्मेटिक का या फिर मेरे रूम के लिए कुछ चीज़ चाहिए उस तरीके का। क्योंकि मैं जब आई थी नागपुर में तब मैं सिर्फ 2 बैग लेके आई थी, मेरे पास कुछ भी और नहीं था, सिर्फ कपड़े मेरे खुद के, जहाँ पे मैं मतलब कहीं पे भी जाके रुक सकूँ उस हिसाब से मैंने सिर्फ कपड़े लाई थी 2 बैग भर के बस, और कुछ नहीं लाई थी। इवन मैं यहाँ पे आने के बाद 1 चम्मच से लेके 1 सुई तक सब कुछ खरीदी। तो कभी मैं अपना रूम टूर कराऊंगी या फिर हाउस टूर जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का टूर कराऊंगी कि मैं यहाँ पे आने के बाद ये सब कुछ जो बनाई हूँ सब मेरे एक एक मेहनत का है। मतलब मैं इवन बता नहीं सकती, 98 की चीज़ भी मैं यहाँ पे ख़रीद के रखी हूँ। फैमिली का मतलब उतने दूर से लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ऐसा नहीं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फैमिली का पूरा सपोर्ट है, घर से ले जाओ बोलते थे, लेकिन उतने दूर से लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पे बनाया है।
सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप समझ सकते हो। तो एक्स्ट्रा खर्च मुझे कुछ जैसे कभी मैंने इस महीने में फ्रिज खरीद लिया, कभी मैंने बेड ले लिया, कभी मैंने टीवी लिया, कभी मैंने कूलर लिया, इस हिसाब से ऐसा मेरा मंथ का चलता था। गाइस ये है रात का खाना, राइस, और यहाँ पे है परवल आलू की सब्जी, और यहाँ पे फिश फ्राई, और है दाल। वैसे मैं सुबह और दोपहर को ब्रेकफास्ट और लंच में रोटी खाई थी, इसलिए रात को राइस खा रही हूँ। तो गाइस आज का बकबक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय।